आज के ब्लॉग में शाम दे गाइस, आज सोमवार हो गया, आज सोमवार रोजा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारे रखे हैं, बहुत सख्त थे तो अभी मैं आपको अपनी इफ्तारी की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगा, ख़त्म क्या क्या हमारी इफ्तारी में। सबसे पहले तो जो है ना चाट है, आज हमने बनाई थी, तो उसके बाद ये दूसरे नंबर पर खजूरें हैं, ये पानी है, उसके बाद ये देखें ये खरबूजे आज हमने कटवाए थे, ये अच्छे हैं, उसके बाद ये लुगाड़ है, उसके बाद ये देखिए शरबत से बनवाया हमने, उसके बाद ये केचप है, ये देखिए चिप्स बनाई है भाई और मैंने बनाई है, देखिए उसके बाद से ये मेरे पप्पू घर से आई हैं, बिस्किट हैं उन्होंने घर में बनाए हैं, देख ली होगी। तो फिलहाल जो है ना अभी 6:35 हुए हैं, तो हम तकरीबन मेरे हिसाब से 7 बजे तक रोज़ा खुल जाएगा, तो रोज़ा खोल के इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इफ्तारी बहुत अच्छी हुई थी, तो उसके बाद हम अपने कमरे में ऊपर आ गए, हमारे कमरे में एक तो काफ़ी गर्मी है, तो हमने एक नया तोड़ निकाला है, ये हमारे पास स्प्रे की बोतल है जिससे हम स्प्रे वगैरह करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, तो गर्मी का ज़रा अच्छा सा तोड़ निकल जाता है इसमें, तो गर्मी भी नहीं एक तो लगती, और ये स्प्रे अंदर प्रेशर है, ये पंप लगा है पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पंप है, देखिए आपको एक मंजिल कैमरा हिल गया, ये देखिए पंप लगा है, ऐसे हम करते हैं इसमें हवा वगैरह भरते हैं, तो इसमें आराम से इसमें पानी होता है, काफ़ी टाइट हुआ है, इसके अंदर प्रेशर काफ़ी हुआ है क्योंकि इसमें पानी है और हवा इसके अंदर इकट्ठी हुई है, तो ऊपर ये बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर बटन है, इसको दबाने से पानी मेरी तरफ फुहार सी उड़ती है, तो बड़ा मज़ा आता है, कपड़े गीले हो गए आराम से सुकून से, गर्मी का ये एक नया तरीका याद किया, गर्मी अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप ये भी कर सकते हैं, कपड़ा लेके ना चादर ले लें किसी भी किस्म की, आप उसको गीला करके अपने बेड के ऊपर या चारपाई पे बिछा के आप लेट जाएँ, या अपने ऊपर ले के लेट जाएँ, ऊपर पंखा चल रहा हो, बेशक वो गर्म हवा फेंक रहा है तो आपको सुकून मिलेगा, तो बड़ा ये आजमूदा तरीका है जो मैंने आज आपको बताया, तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत ही अच्छे गुजरे हैं हमारे, तो कल का आपने शायद उम्मीद व्लॉग देखा होगा, उम्मीद आपको पसंद भी आया होगा, तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात तो अभी ये मेरा भाई अभी खड़ा हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं ले रहा गड्ढो में, ये देखिए बकवास कर रही पता है इसको ये गुस्सा कर रहा है, तो चटी ब्रेड यानी अच्छा होता है पीले रंग का, पीला ये ट्रोजर सा है इसके पास, ट्रोजर शर्ट पहन ली भाई ने, ट्रोजर इतना बोला बकवास किया जा रहा है, इधर ट्रोजर पहना हुआ है, तो गुस्सा कर रहा है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किस किस्म का व्लॉग बना के दें, कोशिश करेंगे कि गर्मी के अंदर ना निकले और जब धूप कम होगी आराम से ताकि तसली से जाके व्लॉग बनाएंगे और आपको आपके सामने पेश कर देंगे, तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।